हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एनालिटिकल रीजनिंग के बारे में और अब इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस एक प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखते हैं, ये यूसीड 2018 का क्वेश्चन है। यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्टैक्ड ट्राइंगुलर पीसेस, इसको काउंट करना है आपको। आप पॉज करके वीडियो काउंट करके देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अब सॉल्यूशन को देखते हैं इसमें कि कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन देखने के बाद हमें ऑब्जर्व करना है। मैंने देखा कि क्वेश्चन देखा मैंने जैसे ही, तो मुझे दिख रहा है कि ये शायद इसमें इतने कम ट्रायंगुलर पीसेज मिसिंग हैं कि अगर इसमें उनको फिल कर दूं तो ये पूरा एक बॉक्स की तरह बन जाएगा। नहीं लग रहा आपको देखने में? तो इंस्टेड कि मैं इसमें ट्रायंगुलर पीसेस काउंट करूं, क्यों ना मैं इसको ये अज्यूम कर लूं कि ट्रायंगुलर पीसेस पूरी तरफ फिल्ड है, स्टैक्ड है, पूरी तरफ फुल है, और वहां से मैं उनको जो पीसेज मिसिंग है उनको मैं हटाना शुरू करूंगा तो मेरे को मिल जाएंगे कि टोटल नंबर ऑफ कितने पीसेज हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सबसे लास्ट वाली जो रो आपको दिख रही होगी यहाँ से, ये इतना, ये देखिए आप कितने यहाँ पे एट का ब्लॉक बन रहा है लास्ट में, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर ये 8 है यहाँ पर, ये भी 8 होता, ये भी 8 होता, ये भी 8 होता, ये भी 8 होता, मतलब टोटल 1 2 3 4 5 का ये रो होता ऐसे करके, तो टोटल हमारे पास पीछे कितने ब्लॉक्स होने चाहिए थे? 40 ब्लॉक्स होने चाहिए थे, 8 और फिर 8 फिर 8 फिर 8 फिर 8 8 2 5 40 होने चाहिए थे। लेकिन हमारे लास्ट वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में तो 8 है, लेकिन इस वाले कॉलम में मिसिंग है, कितने मिसिंग है? 2 मिसिंग है। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? -2। यहाँ पे कितना मिसिंग है? 1 मिसिंग है, तो यहाँ कर दिया -1। यहाँ से कितने ब्लॉक मिसिंग है 8 होने में? 1 2 3, तो -3। यहाँ पे कितने ब्लॉक मिसिंग है? 1 और 2, तो -2। जब आप इसको काउंट करोगे तो ये कितना आ रहा है? 5 6 7 8, 40 में से 8 गया तो 32। तो यानी कि 32 ब्लॉक्स तो आपके पीछे हैं ये सारे मिलाकर। आगे वाले ब्लॉक्स में देखिए, 1 2 1 2 3 4 5 5, और यहाँ पे 1, ये 3, 5, एक और 5, एक और 5, टोटल 3 हमारे पास कॉलम बनेंगे ऐसे करके। यानी कि 5 × 3 15 ब्लॉक्स होने चाहिए थे मेरे पास पीछे, ट्रायंगुलर ब्लॉक्स, लेकिन वो नहीं है। पहले वाले में तो 5 है, लेकिन दूसरे वाले में कितने? 2 कम है, तो कितने यहाँ पे कर देते हैं? -2। आगे वाले में कितने कम है? -1। तो टोटल कितने हो गया ये? 12। और आगे हमारे पास 2 रखे हुए हैं, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया ट्रायंगुलर? 40। 12 + 32 + 12 = 44 + 2 = 46। होपफुली आपको समझ में आया होगा कि इन क्वेश्चंस को क्या किया हमने। क्वेश्चन को ये क्वेश्चन, क्योंकि आपको एग्जाम में जल्दी सॉल्व करना है, आप बैठ के अगर काउंट करोगे, इमेजिन करोगे, तो क्वेश्चन में आपका टाइम वेस्ट होगा। ऐसे हम अभी आपको बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं हम लोग कि अप्रोच क्या होना चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ताकि आप जल्दी सॉल्व कर सको। और जरूरी नहीं है कि हर बार सारे क्वेश्चन में यही अप्रोच लगेगा, आगे हो सकता है किसी क्वेश्चन में अप्रोच फेल हो जाए। वो आपको सोचना है कि क्वेश्चन को क्या अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें कि जो फिगर बन रही होगी वो सिमेट्रिक होगी, आपको नंबर ऑफ ब्लॉक्स काउंट करने हैं, तो आप क्या करोगे? कोई भी सिमेट्रिक फिगर बन रही है तो आप जो है एक टाइप के ब्लॉक काउंट कर लोगे, उसको इंटू 4 कर दोगे अगर यहाँ पे बन रहा है कुछ भी, है ना। वो आपको अप्लाई करना है, अपना आपको अप्रोच चेंज करनी है, आपको डायनेमिक रहना है क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब ये देखिए, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल टेट्राहेड्रन्स ऑन द सर्फेसिस ऑन द फेस ऑफ दिस टेट्राहेड्रन। ये भी बड़ा एक टेट्राहेड्रन है और ये छोटे छोटे जिसमें टेट्राहेड्रन है वो भी टेट्राहेड्रन ऐसे ही है। तो आपको टोटल टेट्राहेड्रन दिखाया कैसे दिखते हैं, ये क्वेश्चन यूसीड 2019 का है। जो लोग सॉल्व कर रहे हैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज सॉल्यूशन हम बता ही रहे। तो सबसे पहले आप ये देखिए, जो सबसे ऊपर वाला टेट्राहेड्रन है ये तो सिमिलर है, ये एक सिंगल है, आप कहीं से भी देखेंगे ये तो एक ही सिंगल टेट्राहेड्रन है। उसी तरह ये भी सिंगल टेट्राहेड्रन है, ये भी सिंगल टेट्राहेड्रन है। अब ये जो फेस एजेस वाले जो टेट्राहेड्रन दिखे हुए हैं आपको, ये जो ब्लॉक दिख रहे हैं ट्रायंगुलर, ये इधर से भी आपको देखेंगे तो भी दिखेगा, और ये वाला जो इधर से दिखेंगे तो भी दिखेगा, ये नीचे से भी दिखेगा आपको। अब क्या करना है, आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये वाले टोटल नंबर ऑफ इसमें टेट्राहेड्रन कितने हैं। आप एक चीज तो नोटिस कर ही रहे हैं कि ये जो बीच में है 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 6 7, ये 7 ऐसे टेट्राहेड्रन हैं जो कि एक फेस पे यूनिक है, यानी कि ये इधर से भी आएंगे और इधर से भी आएंगे और इधर से भी अलग अलग आएंगे। ऐसे कितने फेस होते हैं टेट्राहेड्रन के, वो इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है आपको हिंट देने के लिए, आपको ज्यादा बैठ के नहीं इमेजिन करना है। तो ये कितना हो गया? 7 × 4, दैट इज 28। अच्छा, अब सबसे पहले तो इन क्वेश्चन को सोचते हो, जैसे आपने क्वेश्चन को देखा, सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये हमसे क्वेश्चन डिमांड क्या कर रहा है, कौन सी इंटेलिजेंस हमसे डिमांड कर रहा है क्वेश्चन जो हमसे सॉल्व करवा रहे हैं। कुछ लोग बोला मेरे को क्लास में कि सर ये हमारा स्पेशल रीजनिंग टेस्ट कर रहा है, स्पेशल बोले तो 3D ऑब्जेक्ट्स के रोटेशन और उसके इमेजिनेशन को टेस्ट कर रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि तो फिर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कौन से इंटेलिजेंस आपको डेवलप करनी है और कैसे डेवलप करोगे? अगर ये इंटेलिजेंस आप बोल रहे हो स्पेशल रीजनिंग है तो कैसे डेवलप करोगे?
तो किसी ने बोला कि सर नंबर ऐसे और फिगर्स को देख करके, ऐसे और नंबर ऑफ फिगर्स को इमेजिन करके, बट एग्जाम में तो आपके नए टाइप के फिगर आएंगे, तो फिर उनको कैसे इमेजिन करोगे, वो तो फ्रेश होगा फिगर आपके सामने, तो आप ऐसे नहीं सॉल्व कर सकते. इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक डिजाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा. क्या डिजाइनर का काम क्या होता है, ऐसे किसी भी क्वेश्चन को आपको एक अपनी रफ ड्रॉइंग बनानी होगी. अगर आपने इसका एक रफ स्केच बना लिया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया. इसके बाद इस क्वेश्चन कुछ बचा ही नहीं. रफ स्केच कैसे बनाओगे, ये रहा टेट्राहेड्रन, ये आपको दिख रहा है, इसी टेट्राहेड्रन पे हमें बनाना है. तो सबसे पहले देखिए इस टेट्राहेड्रन में ये जो एजेस वाले हैं ये तो रिपीट हो रहे हैं, ये तो सिमिलर है, तो मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे. तो ये फोर हो गए, दिख रहा है आपको. फिर क्या हो रहा है, इसको मैं बड़ा बना देता हूँ यहाँ पे ताकि आप लोग लिख सके. बहुत साफ बनाने की जरूरत नहीं है, बस इतना कि आपको समझ में आ जाए और हमारा काम भी खत्म हो जाए. ये हमने टेट्राहेड्रन बना दिया, हमने एजेस पे बना दिया, एक ये दो ये तीन ये चार. अब देखिए जो एज पे हैं, ये जो एज पे दो हैं ये रिपीट नहीं हो रहे हैं सबके साथ, तो हम इन्हें भी बना देंगे. एक ये दो, ये वन ये टू, ये वन ये टू, ये वन टू, वन टू, और एक पीछे वाले एज पे वन टू. तो हमने काउंट कर लेते हैं इसको कि ये जो रिपीट हो रहे हैं ये कितने हैं टोटल. चार तो एज पे थे, टोटल वर्टेक्स पे थे, और कितने हो गए साइड पे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यानी कि ट्वेल्व, ट्वेल्व प्लस फोर सिक्सटीन. और पहले हमने यूनिक वाले काउंट कर ही लिए थे, वो 16, वो 28 थे, तो हम इनको ऐड करेंगे. ये हो गया 4, ये हो गया 4, 44 हमारा आंसर हो गया. होपफुली आपको समझ में आ गया होगा. देखिए अब मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में, हमने ये बनाया. अगर आपने ये ऐसा कुछ बना दिया, हमने कितनी क्या ड्राइंग बनाई, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाई, नहीं, डिजाइनर को इतनी ही ड्राइंग आनी चाहिए, इससे ज्यादा ड्राइंग नहीं आनी चाहिए. वो अलग बात है कि कॉम्पिटिशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली हमारे को स्केचिंग और ज्यादा मास्टर करना पड़ेगा, बट अगर आप इतना अपना आइडिया कन्वे कर पा रहे हैं तो आपका काम हो गया. आगे चलते हैं, हम देखते हैं कुछ एक क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए. तो इसमें आपको काउंट करना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगेन. तो आप सबसे पहले फिगर को, इससे पहले कि आप सॉल्व करो, कोई बच्चे पॉज करें, पर सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है. आप क्वेश्चन देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से सिमेट्रिक है, आप किसी भी एज से देखिए ये एक सिमेट्रिक फिगर है. तो जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप सिर्फ एज के अलॉन्ग ही सॉल्व करिए. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंगल कॉम्पोनेंट वाले ट्राइंगल इसमें काउंट करना शुरू करूंगा, एक मिनट के लिए, सिंगल कॉम्पोनेंट वाले, तो ये एक सिंगल कॉम्पोनेंट मैं इस एज से देख रहा हूँ फिलहाल, तो ये एक सिंगल कॉम्पोनेंट, ये एक सिंगल कॉम्पोनेंट, तो मेरे को एक एज पे दो मिल गए. ऐसे कितने एज होते हैं पेंटागन में, फाइव, तो 2 × 5 तो मेरे हो गए 10. फिर मैं बात करूंगा डबल कॉम्पोनेंट वाली, तो डबल कॉम्पोनेंट वाले कितने हो गए, ये हो गया एक और ये हो गया एक, ये किसी और एज को टच तो नहीं कर रहा, इसी एज से बन रहे हैं ये दोनों, तो एक एज से दो बन रहे हैं, तो फिर डबल कॉम्पोनेंट वाले मेरे कितने हो गए, 2 × 5 कितने, 10. तो हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. देखो सिंगल कॉम्पोनेंट वाले हमारे ये रहे, ये हमारे सिंगल कॉम्पोनेंट हमने जो 10 किए थे 10 हो गए दोनों मिला करके, ये हमारे डबल कॉम्पोनेंट वाले ये भी हमारे पास 10 हो गए, ये हम ट्रिपल कॉम्पोनेंट वाले जो साइड पे ड्रॉ कर रहे थे ये हमारे ट्रिपल कॉम्पोनेंट हो गया, एक और ट्रिपल कॉम्पोनेंट जो बीच से बन रहा है हमारा, तो ये भी हो गया हमारे पास 10, ये तीन वाले हैं. और फिर हमारे पास मैक्सिमम ये कौन सा है, ये 5 कॉम्पोनेंट वाला ट्राइंगल, 5 कॉम्पोनेंट वाला ट्राइंगल, तो इसका भी आंसर हमारा 5 आ गया. सबको ऐड करेंगे आंसर 35. होपफुली ये देखने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं. आप इन टाइप के क्वेश्चंस ऑनलाइन भी सॉल्व करके देख सकते हैं, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे. हम लोग भी ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे जहाँ पे कि आप, हम लोग आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवा सकें. आप प्रैक्टिस करते रहिए, तब तक के लिए कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग. थैंक यू.